नमस्कार दोस्तों, पायल IAS में आपका स्वागत है और आज हम एक और नया मुद्दा लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज का हमारा मुद्दा है विश्व पर्यटन दिवस। बता दें, यह आज 27 सितंबर को मनाया गया है। आइए जानते हैं यह चर्चा में क्यों रहा। विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का लक्ष्य लोगों को पर्यटन के महत्व के प्रति जागरूक बनाना है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि पर्यटन किस तरह से रोजगार निर्माण, स्थायी समाज तथा समावेशी विकास हेतु जरूरी है और पर्यटन किस प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण के लिए अहम है। यह दिवस विश्व भर के लोगों में आपसी समझ बढ़ाने में सहायता करता है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर विश्व भर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटन के द्वारा अपने देश की आय को बढ़ाना है। आइए देखते हैं विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या रही। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस की थीम टूरिज्म एंड जॉब ए बेटर फ्यूचर फॉर ऑल रही है। इस साल विश्व पर्यटन दिवस 2019 की मेजबानी भारत करने जा रहा है। बता दें, विश्व पर्यटन दिवस की मेजबानी प्रत्येक साल अलग अलग देश करते रहे हैं। जानते हैं क्यों मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस मनाने की शुरुआत पर्यटन का महत्व तथा लोकप्रियता को देखते हुए की गई थी। पर्यटन के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस की थीम अलग अलग रखता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 1980 से विश्व पर्यटन दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया था। विश्व पर्यटन दिवस के लिए 27 सितंबर का दिन चुना गया क्योंकि इसी दिन विश्व पर्यटन संगठन का संविधान 1970 में स्वीकार किया गया था। आइए देखते हैं विश्व पर्यटकों की भारत में क्या संख्या रही। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 में करीब 1.65 अरब घरेलू पर्यटकों ने सैर की है। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के अनुसार साल 2018 में 1.05 करोड़ पर्यटक भारत में पर्यटन करने के लिए आए थे। इसी के साथ आज का मुद्दा हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कल हम एक और नया मुद्दा लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।